नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे भिन्नों के प्रकार के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे भिन्नों का योगफल एवं उनका वैकलन। उसके बाद पढ़ेंगे भिन्नों का गुणन और उसके बाद पढ़ेंगे भिन्नों का भाग और सबसे अंत में हम पढ़ेंगे भिन्नों की आपस में तुलना करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भिन्नों के प्रकार से। सामान्यतः भिन्न दो प्रकार के होते हैं, सरल भिन्न एवं मिश्रित भिन्न। सरल भिन्न वह भिन्न जिसे हर व अंश के रूप में लिखा जाता है, सरल भिन्न कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे 2/7 व 4/9। मिश्रित भिन्न, चलिए इसे कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं, जैसे 5/2। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं, जिसे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे 5/4 को सरल भिन्न में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले बीच वाली संख्या को अर्थात 5 को 7 से गुणा करके 4 में जोड़ देंगे और नीचे वाली संख्या को पुनः भाग दे देंगे, अर्थात पहले 5 को उसके हर से गुणा करेंगे व अंश में जोड़ देंगे और हर को पुनः भाग में दे देंगे और इससे प्राप्त भिन्न एक सरल भिन्न होगी। अब एक अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे 6/3/5 को सरल भिन्न में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? सेम उसी प्रकार 6 को 5 से गुणा करेंगे व 3 में जोड़ देंगे व 5 को पुनः भाग दे देंगे, इससे प्राप्त भिन्न सरल भिन्न होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं कि भिन्नों को आपस में योगफल एवं उनका वैकलन कैसे करते हैं, अर्थात भिन्नों को आपस में जोड़ते व घटाते कैसे हैं, जिसे कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे कि 4/7 + 5/7 को आपस में कैसे जोड़ेंगे? इन सामान्य सरल भिन्न में हर समान है, इसलिए इनके अंश को आपस में जोड़ देंगे और योगफल को लिख देंगे और इससे प्राप्त हमारा योगफल होगा। एक अन्य उदाहरण और देखते हैं, जिसमें 4/8 + 3/8 है, इसमें भी हर समान है, तो इनके अंशों को आपस में जोड़कर लिख देंगे। अन्य उदाहरण व्यकलन का देखते हैं, जिसमें 9/7 - 2/7, इसमें भी हर समान है, तो इनके अंशों को आपस में घटाकर लिख देंगे। एक अन्य उदाहरण देखते हैं, जिसमें कि अगर हर समान न हो तो किस प्रकार हल करेंगे? जैसे 5/9 + 4/5 को कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले एलसीएम विधि से इनका हर आपस में समान बनाएंगे। हर समान बनाने के बाद इनके नए अंशों को आपस में जोड़कर लिखेंगे और यही हमारा भिन्नों का योगफल होगा। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए भिन्नों के योगफल एवं उनके वैकलन पर कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि समीरा ने 3/1/2 kg सेब और 4/3/4 kg संतरे खरीदे। समीरा द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार कितना होगा? तो इसके लिए फलों का कुल भार होगा सेबों का कुल भार प्लस संतरों का कुल भार, अर्थात 3/1/2 + 4/3/4 kg। तो सबसे पहले इन मिश्रित भिन्नों को सरल भिन्न में बदलेंगे, जो कि 7/2 + 19/4 के बराबर होगी। चूंकि अब इनके हर समान नहीं है, तो एलसीएम विधि से इनके हर समान बनाएंगे व इनके नए अंशों को आपस में जोड़कर लिखेंगे और इससे हमारे कुल भार 33/4 kg आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि भिन्नों को आपस में गुणा कैसे करते हैं। सामान्यतः भिन्नों के
गुणन के लिए भिन्न के अंश को अंश से व हर को हर से गुणा करके लिखते हैं, जिसे कुछ उदाहरण द्वारा देखते हैं। जैसे 4/7 गुणा 3/5 है, तो इनके अंश 4 व 3 को आपस में गुणा करेंगे व इनके हर 7 व 5 को आपस में गुणा करेंगे व लिख देंगे, और इससे हमारा भिन्नों का गुण हो जाएगा। अन्य उदाहरण, जैसे 3 से 4/5 गुणा 5 से 3/4 है, तो सबसे पहले इन मिश्रित भिन्नों को सरल भिन्न में बदलेंगे, जो कि 19/5 व 23/4 होगा। अब इनके अंश 19 व 23 को आपस में गुणा करेंगे व इनके हर 5 व 4 को आपस में गुणा करेंगे और प्राप्त संख्या को लिख देंगे, जो कि 437/20 के बराबर होगी। अब एक प्रश्न देखते हैं। जैसे एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उसी कार द्वारा 2 से 3/4 लीटर पेट्रोल में तय कुल दूरी कितनी होगी? तो सबसे पहले पेट्रोल की मात्रा, जो कि 2 से 3/4 लीटर अर्थात 11/4 लीटर है। अब कार द्वारा 1 लीटर पेट्रोल में तय दूरी 16 किलोमीटर है, तो उसी कार द्वारा 11/4 लीटर पेट्रोल में तय दूरी 16 × 11/4 के बराबर होगी, जिसे हल करने पर 44 किलोमीटर आता है। अब देखते हैं कि भिन्नों को आपस में भाग कैसे करते हैं, जिसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे कि 2/7 / 3/7 है, तो सबसे पहले भाग करने के लिए भाग की जस्ट आगे वाली संख्या को व्युत्क्रम के रूप में लिखते हैं व भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह से परिवर्तित कर देते हैं। अब इसे सामान्य भिन्न के गुणा की तरह हल करते हैं। अन्य उदाहरण, जैसे 2/5 / 1/2 है, तो सबसे पहले भाग के जस्ट आगे वाली संख्या अर्थात 1/2 को इसके व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे व भाग को गुणा के चिन्ह में परिवर्तित कर देंगे और इसको सामान्य भिन्नों के गुणा की तरह हल करेंगे। अब आज का आखिरी टॉपिक देखते हैं, जो कि भिन्नों की आपस में तुलना करना है। उदाहरण, 3/5 व 2/3 में से कौन सी संख्या बड़ी है? तो सबसे पहले दोनों भिन्नों के हर को आपस में समान करेंगे। अब हर समान करने के बाद जिस भिन्न का नया अंश बड़ा होगा वह भिन्न भी बड़ी होगी, अर्थात इनमें 2/3 भिन्न का अंश बड़ा है तो यह भिन्न भी बड़ी होगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद हमने भिन्नों का योगफल एवं उनका व्यकलन करना सीखा अर्थात भिन्नों को जोड़ना एवं घटाना सीखा। उसके बाद हमने भिन्नों का आपस में गुणा करना सीखा। उसके बाद हमने भिन्नों को आपस में भाग करना सीखा और सबसे अंत में हमने सीखा कि भिन्नों की आपस में तुलना कैसे करते हैं। इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अगर अभी तक आपने OLI चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।